वेस्टइंडीज के खिलाफ आखिरी बार कप्तानी कर रहे हैं हार्दिक पांड्या। 26 साल का यह खिलाड़ी जल्द बनेगा कप्तान। हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली टीम इंडिया इस समय वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज खेल रही है। सीरीज का पहला मैच ब्रायन लारा स्टेडियम में खेला जा चुका है। इस मैच में भारत को वेस्टइंडीज से 4 रनों से हार का सामना करना पड़ा। इससे वेस्टइंडीज की टीम 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे हो गई है। मालूम हो कि हार्दिक पांड्या की कप्तानी में टीम इंडिया की यह आखिरी T20 सीरीज हो सकती है। इसके बाद टीम इंडिया की कप्तानी में बदलाव तय माना जा रहा है। आपको बता दें कि वेस्टइंडीज दौरे के बाद टीम इंडिया आयरलैंड दौरे पर जाएगी, जहां टीम इंडिया और आयरलैंड के बीच T20 सीरीज खेली जाएगी। टीम इंडिया मैनेजमेंट ने इस दौरे पर हार्दिक पांड्या को आराम दे दिया है। उनकी जगह टीम इंडिया की कप्तानी जसप्रीत बुमराह को सौंपी गई है। साथ ही भारतीय चयनकर्ताओं ने 26 साल के ऋतुराज गायकवाड़ को उपकप्तानी सौंपी है। आपको बता दें कि ऋतुराज गायकवाड़ एशियन गेम्स 2023 में टीम इंडिया का नेतृत्व करने वाले हैं। ऐसे में बड़े टूर्नामेंट पर नजर है। युवा खिलाड़ी को तैयार करने के लिए ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब से भारतीय चयनकर्ता ने ऋतुराज गायकवाड़ को एशियन गेम्स के लिए टीम इंडिया का कप्तान बनाया है, इसके बाद से ही अटकलें लगाई जा रही हैं कि भारतीय चयनकर्ता हार्दिक पांड्या की जगह ऋतुराज गायकवाड़ को भारत के भविष्य के कप्तान के रूप में देख रहे हैं। ऐसे में एशियन गेम्स 2023 में सभी की नजरें ऋतुराज गायकवाड़ की पत्नी पर होंगी। हालांकि हम आपको बता दें कि इस तरह के कयास लगाना जल्दबाजी होगी। इसके अलावा ऋतुराज गायकवाड़ के करियर पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक अपने करियर में सिर्फ 2 वनडे और 9 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। हालांकि वह कुछ खास प्रभावित नहीं कर पाए। वनडे में वह सिर्फ 19 रन ही बना सके। T20 इंटरनेशनल में ऋतुराज ने 8 पारियों में 135 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने एक अर्धशतक भी लगाया। हालांकि घरेलू क्रिकेट में उनका बल्ला आग उगलता है। लिस्ट ए में गायकवाड़ के करियर पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 71 पारियों में 61.12 की औसत से 4034 रन बनाए हैं। इसमें 15 शतक और 16 अर्धशतक पारियां भी शामिल है। गायकवाड़ ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 47 पारियों में 42.19 की औसत से 1941 रन बनाए हैं। इसमें 6 शतक और 9 अर्धशतक पारियां दर्ज हैं।